हेलो दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है जो कि हमारे शरीर में बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी कमी होने पर शरीर में बहुत सारी समस्याएं देखी जा सकती हैं, जैसे बार बार थकावट होना, कोई भी काम करने की इच्छा ना होना, हमेशा बदन दर्द रहना, फिजिकल स्ट्रेंथ की कमी होना। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स की जिनकी वजह से बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है, ताकि आप उन बातों का ध्यान रख पाएं और आप अपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को मेंटेन रख पाएं। और इस वीडियो में हम न्यू हर्ब्स के टेस्टोस्टेरोन बूस्टर T7 के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। और यह वीडियो पूरा देखने के बाद आपके टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वह सभी दूर हो जाएंगे। दोस्तों, जैसे आपको पता होगा, टेस्टोस्टेरोन पुरुषों के शरीर में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है जो कि बहुत सारे इम्पोर्टेंस फंक्शन को अंजाम देने के लिए जरूरी होता है। एक नॉर्मल पुरुष में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा करीब 300 ng/dL होती है, लेकिन इसका अपर लिमिट अप्रॉक्स 950 ng/dL होता है। आप जानते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जिनकी वजह से शरीर में टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है या टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल के बिना टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। जो लोग पूरी तरह से कोलेस्ट्रॉल फ्री फूड खाते हैं उन लोगों में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है। तो आप अपनी डाइट में ऐसे डाइट जरूर लें, ऐसे आहार जरूर लें जिससे आपको गुड कोलेस्ट्रॉल मिलता रहे। ड्राई फ्रूट्स को ऐड करना बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑप्शन है जो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा अल्कोहल का सेवन करना, स्मोकिंग करना, स्ट्रेस ज्यादा लेना, एक्सरसाइज ना करना, अच्छी डाइट ना लेना, बढ़ती उम्र, यह सभी चीजें हमारे शरीर के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कम करने का काम करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं न्यू हर्ब्स T7 टेस्ट ऑन कैप्सूल के बारे में। दोस्तों, यह कैप्सूल टोटली आयुर्वेदिक फॉर्मुलेटेड सप्लीमेंट है। न्यू हर्ब्स T7 टेस्ट ऑन एक नेचुरल आयुर्वेदिक टेस्टोस्टेरोन बूस्टर सप्लीमेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से अप्रूव्ड फॉर्मूले से यह बनाया गया है, जो कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को नेचुरली इंक्रीज करने का काम करता है। दोस्तों, यह कैप्सूल आयुर्वेद की 8 बहुत सी असरदार औषधियों मिलाकर बनाया गया है जो कि नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल को बॉडी में इंक्रीज करने का काम करती हैं और जिसका किसी भी तरह से साइड इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता। इसमें गोक्षुर, अश्वगंधा, सफेद मूसली, मेथी, शिलाजीत, कोकिलक्ष, कोंच के बीज और काली मिर्च है। दोस्तों, रिसर्च और स्टडीज के अनुसार ये जितनी भी औषधियां इसमें मिलाई गई हैं ये टेस्टोस्टेरोन को प्रमोट करती हैं और स्टेमिना को बूस्ट करती हैं और फिजिकल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाती हैं और व्यक्तिगत स्वास्थ्य को फिर से जीवित करने में मदद करती हैं। इस कैप्सूल का इस्तेमाल करने से मसल फटिंग बहुत कम हो जाता है और आप ज्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। थोड़े से काम करने के बाद आने वाली थकान, सांस फूलना, लो इम्यूनिटी जैसी प्रॉब्लम में भी इस कैप्सूल से काफी राहत मिल जाती है। टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज हो जाने से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है और फोबिया जैसी परेशानियों से राहत मिलती है। अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है या आपको एंजाइटी है, उसमें भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करने से बहुत ज्यादा फायदा देखने के लिए मिलता है। यह आपके स्ट्रेस लेवल को काफी कम करता है। इस कैप्सूल का इस्तेमाल करने से फिजिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, मसल में स्ट्रेंथ बढ़ती है, मसल ग्रोथ को प्रमोट करने में हेल्प मिलती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को इम्प्रूव करता है और आपको कामनेस एंड फोकस को इम्प्रूव करता है, साथ ही बॉडी में एनर्जी लेवल को बनाकर रखता है। अगर आप अपने शरीर में कमजोरी ज्यादा महसूस करते हैं, मसल स्पिन रहता है, काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, थोड़ा सा काम करते ही आप थक जाते हैं, हमेशा लेटे रहने का मन करता है, तो उन सब कंडीशन में भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करने से काफी ज्यादा राहत मिलती है जो कि बॉडी में एनर्जी लेवल को इंक्रीज करता है। दोस्तों, इसकी एक और खास बात यह भी है कि इनकी पैकिंग पर आपको इनके एक्सपर्ट का नंबर मिल जाता है। आपको इस बारे में कोई भी जानकारी चाहिए या कोई सवाल है तो आपकी पूरी हेल्प की जाती है। दोस्तों, न्यू हर्ब्स न्यू एज की न्यूट्रिशनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नेचर की प्योरिटी को प्रदान करता है, मतलब हमें देता है, और इसमें न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रोडक्ट की एक वाइड रेंज है जो कि साइंस और नेचर का ब्लेंड है, इट मीन्स उनका मिक्सचर है। दोस्तों, जो लोग अपनी केयर करना जानते हैं, अपने आप को क्लीन रखना जानते हैं और वो अपने आप को एक ऐसा एक्सपीरियंस देना चाहते हैं जो कि उनकी हेल्थ और उनके पोटेंशियल को बहुत बेस्ट से बेस्ट बूस्ट करे, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और जो इनके प्रोडक्ट आते हैं वो बिल्कुल नेचुरल होते हैं, उनको नॉन टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलाकर बनाए हुए होते हैं जो कि आगे आने वाले कल के लिए हमारे लिए हेल्दी फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आपको इसकी डोज कैसे लेनी होती है।
एक कैप्सूल खाना खाने के आधे घंटे के बाद सुबह और एक बार शाम को, जब शाम को खाना खाने के आधे घंटे के बाद आप इसको ले सकते हैं। अगर आपके कोई भी मेडिकल कंडीशन चल रही है तो एक बार इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन न्यू हर्ब्स T7 टेस्टॉन कैप्सूल्स के बारे में। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखिए।